हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनकल कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम की जो एग्जाम आपका अगले महीने में आने वाला था, लेकिन अब ये खिसक के एग्जाम आपका आएगा अप्रैल के महीने में। और अप्रैल में इसकी एक्सपेक्टेड डेट है वो है 6 अप्रैल। और आज जो इसके बारे में मैंने सुबह डिस्कस किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिलेबस की, कट ऑफ की, पैटर्न की और ओवरऑली पूरा का पूरा एग्जामिनेशन क्या होता है। देखिए, पूरे के पूरे अगर ग्रुप फोर की बात करी जाए तो ग्रुप फोर की जो वैकेंसीज आती हैं, इसमें जो आपकी वैकेंसी रहती है ये मेनली किसी चीज की वैकेंसी रहती है, आईटी ऑपरेटर की। आईटी ऑपरेटर क्या होता है, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में आईटी से रिलेटेड काम करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है और ये कुछ काम करने के लिए हम किस चीज किसको हायर करते हैं, आईटी ऑपरेटर को। और आईटी ऑपरेटर एक ऐसे काम रहते हैं जिसमें मेनली आपको आईटी से रिलेटेड यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना पड़ते हैं और इसलिए इस पूरी पोस्ट को हम आईटी ऑपरेटर की पोस्ट भी बोलते हैं। हालांकि आईटी ऑपरेटर के अलावा भी इसमें मल्टीपल पोस्ट आती है, जैसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी आती है। और स्टेनोग्राफर का बेसिकली काम किस चीज का रहता है, टाइपिंग से रिलेटेड क्लेरिकल वर्क करना पड़ते हैं स्टेनोग्राफर को। तो आईटी ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट आती है। अब इससे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर लास्ट वर्क की बात करी जाए 2016 की, तो उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ हिंदी टाइपिंग मांगा गया था इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, यानी कि हिंदी टाइपिंग प्लस सीबीएसईटी मांगा था, लेकिन इस बार चेंज करके हिंदी प्लस इंग्लिश टाइपिंग भी मांग लिया है व्यापम ने। और ये इन्होंने कब बताया, एक राजपत्र जारी हुआ था अभी फरवरी के महीने में, 5 फरवरी के आसपास एक राजपत्र जारी हुआ था और इस राजपत्र के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया, व्यापम के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इस बार इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग कंपलसरी रहेंगी। अगर आपने ये दोनों टाइपिंग उत्तीर्ण करी है तब आप इस परीक्षा के ऊपर बैठ पाओगे। और इसके अलावा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो इसमें आपसे 1 साल का डिप्लोमा मांगा जा रहा है। अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है तो आप डेफिनेटली 1 साल का डिप्लोमा और इसके अलावा सीपीसीटी है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहोगे। हालांकि बीसीए वाले भी इस पूरे के पूरे कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। बीई जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच से करी है वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, बस शर्त इतनी सी कि उन्होंने सीपीसीटी भी क्वालिफाई करके रखा हो। और इसके अलावा अगर बीएससी में किसी ने बस एक सब्जेक्ट एज अ कंप्यूटर पढ़ा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, इस पूरी पूरी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि पूरे के पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। तो पैटर्न अगर देखा जाए तो पैटर्न ऐसा ऐसा रहता है कि पूरा का पूरा जो पेपर रहता है 17 × 5 + 15 यानी कि ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर रहता है। अब 100 मार्क्स में क्या होता है कि 100 मार्क्स में आपके 5 + 1 सब्जेक्ट रहता है। 5 + 1 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, 5 सब्जेक्ट में आपके जो 5 सब्जेक्ट रहते हैं ये कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हिंदी जीके, जीके के अलावा एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड के अलावा यहां पे मैथ्स आती है। तो इंग्लिश हिंदी जीके एप्टीट्यूड और मैथ्स ये सारे के सारे सब्जेक्ट कितने नंबर के होते हैं, ये सारे के सारे 5 सब्जेक्ट होते हैं 17 नंबर के आते हैं। और इसके अलावा जो एक सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर साइंस का, ये कंप्यूटर साइंस वाला जो सब्जेक्ट रहता है ये आता है आपका 15 नंबर का। हालांकि यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस पूछी जाती है इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती है, कंप्यूटर साइंस का लेवल वही रहता है जो आपसे बेसिक कंप्यूटर साइंस के व्यापम के साधारण पेपर्स में एक्सपेक्ट किया जाता है, वही कंप्यूटर साइंस का लेवल रखा जाता है। लास्ट बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था ये 2016 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और 2016 में जो कंप्यूटर का लेवल आया था वो रिलेटिवली काफी ईजी था। हालांकि यहाँ पे जो अगर मैथ्स की बात करी जाए और मैथ्स के अलावा अगर एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो मैथ्स और एप्टीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एप्टीट्यूड में रीजनिंग इंक्लूडेड रहता है, यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि इसमें रीजनिंग नहीं आने वाला तो एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहता है। एप्टीट्यूड से यहाँ पे इनका तात्पर्य क्या है, रीजनिंग ही है। और मैथ्स में मेनली कौन सा पार्ट होता है, अप टू 10th क्लास तक की मैथ्स आपसे पूछी जाती है। तो ओवरऑल मैथ्स का सिलेबस क्या हो गया, 10th क्लास तक की मैथ्स आती है, एप्टीट्यूड में रीजनिंग मेनली आता है और रीजनिंग के अलावा जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस रहते हैं यानी कि दिमाग वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर बात करी जाए हिंदी की तो हिंदी में सामान्य हिंदी आती है, सामान्य हिंदी यानी मेनली ग्रामर वाला पार्ट, इतनी डीप हिंदी नहीं आती है जितनी आपसे एसआई के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, सिर्फ सामान्य हिंदी आती है। और इसके अलावा इंग्लिश की बात करी जाए तो सामान्य इंग्लिश आती है। सामान्य इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड रहते हैं, वो सारे के सारे वही टॉपिक रहते हैं, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, और नरेशन के अलावा फिल इन द ब्लैंक्स जहां पे आपको एरर फाइंड करना है और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, और इसके अलावा इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें पूछी जाती हैं।
और एक जो टॉपिक हमारा बच गया वो है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कहां तक का कंप्यूटर आता है, बेसिक कंप्यूटर साइंस आता है, जो आपसे जनरली कंप्यूटर साइंस बेसिक जो कंप्यूटर साइंस होता है कुछ भी एडवांस नहीं आता, सिर्फ बेसिक और बेसिक कंप्यूटर साइंस आता है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे पांच सब्जेक्ट होते हैं, पांच सब्जेक्ट के अलावा आपका 15 नंबर का कंप्यूटर साइंस हो गया, और एक सब्जेक्ट जो आपका मिसिंग है वो है जीके, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके प्लस आसपास के आसपास जो चीजें घटना घटित हो रही है उसमें एमपी जीके वाला पार्ट इंक्लूडेड रहेगा, यानी कि स्टैटिक जीके प्लस एमपी जीके प्लस आपका करंट अफेयर, ये सारी की सारी चीजें मिला के कहां पे आ जाती हैं, जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में या जीके वाले पोर्शन में। अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस की अगर आपको तैयारी करना है या फिर पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि मैथ्स का जो पेपर का लेवल है, मैथ्स के लेवल के हिसाब से अगर आप आर एस अग्रवाल को रेफर करते हो तो आर एस अग्रवाल काफी हेल्प कर सकती है आपके पूरे के पूरे मैथ्स के सिलेबस में। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आर एस अग्रवाल एक अच्छी बुक है, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार का पेपर अभी भी देखा थोड़ी देर पहले, और उस पेपर के अकॉर्डिंग मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सारी की सारी चीजें आप आर एस अग्रवाल से आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, जो पिछली बार के पेपर आए थे, पिछली बार एक्चुअल में चार से पांच पेपर, चार या पांच पेपर कंडक्ट हुए थे, उन चारों के चारों पेपर की रीजनिंग के आप रीजनिंग वाला पार्ट देखना, रीजनिंग यानी कि वो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट देखना, वहां से आप एक टॉपिक की लिस्ट बना लेना कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे, और उन्हीं टॉपिक को आप चाहो तो कहीं पे भी ऑनलाइन देख के, हमारे चैनल पे देख के, या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करके, अगर सिर्फ आप इतना ही करके चले जाते हो तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग की क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं कि अगर आपको एक बार वो पैटर्न पता है तो दूसरी बार आप उसको ऑब्वियसली सॉल्व कर लोगे, इसलिए रीजनिंग में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गिनती के दो से तीन दिन लगेंगे रीजनिंग की तैयारी करने के लिए, लेकिन सिर्फ अगर आपने उतने टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। लेकिन रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे कि अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट में मेनली लोगों को अरेंज करना पड़ता है। जैसे पिछली बार एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने पांच लोगों को अरेंज करने के लिए बोला था, अब ये पांचों के पांच लोग में उसमें आपको कंडीशन दे दी जाती है। मान लीजिए पांच लोग हैं ए बी सी डी ई, अब इसमें आपको कंडीशन दी जाएगी कि ई बी के बाजू में बैठा है या ई बी के लेफ्ट में बैठा है, ई बी के राइट में बैठा है, तो इस पूरी की पूरी कंडीशन के हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है, और ये अरेंजमेंट के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना पड़ता है जो भी उससे आगे चल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में प्योरली इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है और आप इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर कितने अवेयर हो। तो अगर आप रीजनिंग की पूरी वैरायटी सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन की तो आप आराम से इसको आराम से शॉर्ट आउट कर सकते हो, और इसलिए रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है आपकी आपने कितने टाइप के क्वेश्चन करके रखे हैं, ऑलरेडी आपने पूरी की पूरी वैरायटी कवर करी है कि नहीं करी है। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, अगला सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो अगला सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी। हिंदी में आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी में आपसे बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी जाएंगी जैसे संधि समास, और इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और पंक्चुएशन मार्क्स, ये सारी की सारी चीजें हिंदी में पूछी जाएंगी। और हिंदी के लिए अगर आप चाहो तो एक बुक रेफर कर सकते हो, ल्यूसेंट की हिंदी की बुक आती है, अगर उस बुक को आप कंप्लीट कर लेते हो, या फिर बेसिक ग्रामर, बेसिक हिंदी ग्रामर की अगर आप कोई भी बुक कंप्लीट कर लेते हो तो आप आराम से हिंदी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे। और इसके अलावा इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में अगर आप पेरिकल के सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स को रेफर कर लोगे तो आप आराम से इंग्लिश वाला पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। टेंसेस वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी ऑनलाइन करा चुका हूँ, टेंसेस के अलावा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर काम चल रहा है, वो आपको बहुत जल्दी अपलोड मिल जाएगा। तो इंग्लिश आप पूरे का पूरा पिनाकल केयर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल से रेफर कर सकते हो, जो हमारा आप इस चैनल के थ्रू सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। और बच गया जो कंप्यूटर साइंस वाला सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को भी आप हमारे चैनल के थ्रू रेफर कर सकते हो, और इस चीज की मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ कि इतना हम पढ़ाएंगे उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में, बिकॉज हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको ऑनलाइन ये पार्ट कंप्लीट करा सकें। और इसके अलावा अगर आप और भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेरी करोगे तो आप डेफिनेटली हम आपको आंसर करेंगे। बात करते हैं एक और चीज की कि ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा पैटर्न, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। अब ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो है ये 17-17 नंबर के आपके पास पांच सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट है 15 नंबर का, यानी कि यहाँ पे जो वैरायटी है वैरायटी काफी ज्यादा है। और वैरायटी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो 17-17 नंबर के सब्जेक्ट है या फिर एक 15 नंबर का सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करना कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली आपके हाथ से एग्जाम चला जाएगा। हालांकि इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में लगभग 5000 वैकेंसीज आपके सामने आने वाली हैं, तो 5000 वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं,
उन लोगों के हिसाब से जिन्होंने डिप्लोमा प्लस सीपीसीटी दोनों कंपल करके रखा है, तो ओवरऑल काफी अच्छा मौका है उन लोगों के पास जिन्होंने डिप्लोमा और सीपीसीटी करके रखा है। तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ओवरऑल पूरे के पूरे एग्जाम में कितने लोग अपीयर हो पाते हैं, और इसके ऊपर आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा, कट ऑफ डिपेंड करेगा। लेकिन एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर एमपी कांस्टेबल तक की कट ऑफ की बात करी जाए तो एमपी कांस्टेबल का कट ऑफ भी 76 मार्क्स के आसपास गया, और अभी तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ ओवरऑल 70 फर्स्ट राउंड में गया, फिर उसके बाद फिजिकल राउंड के बाद 76 के आसपास कुछ ओवरऑल कट ऑफ है। तो यहां पे अगर हम कट ऑफ की उम्मीद करें तो यहां पे हमें टारगेट करना है कि एनी हाउ हम 72 से ऊपर मार्क्स स्कोर करें, और 72 मार्क्स से अगर आप ऊपर स्कोर करते हो तो आपके चांसेस काफी अच्छे बन जाएंगे। अब 72 मार्क्स में अगर आपको स्कोर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, 6 के 6 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेंगे। कंप्यूटर के लिए मैं आपको बुक बता दूं कि आप एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, अगर आप परीक्षा मंथन को रेफर करना चाहते हो तो आप इसको रेफर कर सकते हो, और इसके अलावा एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है तो अरिहंत पब्लिकेशन को भी आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल इतना ज्यादा नहीं रहेगा, साधारण से लेवल का कंप्यूटर आता है, तो अरिहंत प्लस परीक्षा मंथन या फिर आप दोनों को रेफर कर सकते हो। और इसके अलावा जीके के लिए ल्यूसेंट की बुक है, लेकिन ल्यूसेंट के अलावा अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो करंट अफेयर के लिए एक स्पीडी की बुक आती है, स्पीडी की एनुअल बुक आती है, तो स्पीडी की एनुअल बुक से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, उसमें डेट वाइज के हिसाब से पर डे के हिसाब से जितने भी करंट अफेयर रहते हैं वो सारी की सारी चीजें दी रहती हैं, और उसके अलावा जितनी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई, जितनी रिसेंट सबमिट्स हुई, ये सारी की सारी चीजें दी रहती हैं। तो रिसेंट के आप स्पीडी की करंट अफेयर की बुक से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरीके से आप जीके प्लस कंप्यूटर आराम से कंप्लीट कर सकते हो। हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट की बुक रेफर कर सकते हो, और इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए आप पिनकल कैरियर इंस्टीट्यूट के लेक्चर, और मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल की बुक आप रेफर कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरी की पूरी बुक्स आप रेफर कर सकते हो। और एक और चीज की, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लीजिए, ताकि पूरा का पूरा जो हम कोर्स चालू करने वाले हैं आपके आईटी ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, वो आप उसको आराम से ऑनलाइन कंप्लीट कर सको। और अगर आप हमारे क्लासरूम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9039055453। इसके अलावा एक और नंबर है 9977167716, इन दोनों के दोनों नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके हमारे किसी भी ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे एडमिशन ले सकते हो, और इस पर्टिकुलर वैकेंसी को आप कंप्लीट कर सकते हो। सिंस आज अगर आज से देखा जाए तो 15 फरवरी के आसपास 13 दिन आपके फरवरी में बचे हैं, और 13 दिन के आसपास अगर 31 के हिसाब से अगर जनवरी को काउंट किया जाए 5 दिन आपके अप्रैल के काउंट के लिए 13, 5, 18 और 31 के हिसाब से 49 डेज आपके पास बचे हैं। तो 49 डेज में अगर हम 4 दिन का हॉलीडे कंसिडर कर लें तो 45 डेज के आसपास आपके पास पूरा का पूरा टाइम बचा है, और 45 दिन में आप किस तरीके से इस एग्जाम को क्लियर करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 45 दिन 6 सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर पर सब्जेक्ट को अगर आप 7-7 दिन देते हो तो आपके उसके हिसाब से भी आपके पास 45 डेज का टाइम है, तो 7×6 होता है, 3 दिन के हिसाब से रिवीजन भी देख लिया जाए तो ओवरऑल 45 डेज में आराम से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो और डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 5000 से ऊपर पोस्ट आने वाली है, और अगर 5000 पोस्ट आ रही है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर करना ही चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में। और एक और चीज कि अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन